नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। आज से लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो गई है और इस बार शहरों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल और 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन किया गया था। तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2800 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर का। उज्जैन में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। बुरहानपुर में भी 16 नए केस मिले हैं और जबलपुर की बात करें तो यहां पर आज 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही एक और व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे जबलपुर, बुरहानपुर जिले के, साथ ही आपको ले चलेंगे शाहपुरा और बुहरीबंद, बड़वारा और नैनपुर। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से विकास सिंह सोलंकी और भोपाल से निर्मल सिंह बैस। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड SP त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से केंद्र की तरफ से भी रियायतें दे दी गई हैं, ढील दे दी गई है लॉकडाउन में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कल CM शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि कहां का क्या क्या छूट दी जाने वाली है, और ऐसे में पेशेंट कम होने का नाम नहीं ले रहे, ये छूट कितना बुरा प्रभाव डालेगी? जिन शहरों में जहां ग्रीन जोन बनाया गया है, ऑरेंज जोन है, जहां रेड में तो काफी शक्ति है लेकिन ये शक्ति अब उतनी नहीं दिख रही शुरू से दिख रही, वहां जब पेशेंट बढ़ेंगे अचानक, जैसे बुरहानपुर में आज अचानक 10 पेशेंट एक साथ निकल आए और मेरे वहां हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके पास चलेंगे भी, उनसे जो चर्चा हुई तो बोले यहां सैंपलिंग जिस आधार पे हुई है, आप सैंपल जिस तरह से ले जा रहे हैं तो यहां तो और बुरी स्थिति होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन जोन है वो पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, ऑरेंज जोन है तो वो मेंटेन रहेंगे, जो रेड जोन है हो सकता है रेड जोन में अब ये संख्या धीरे धीरे कम होती जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो डिस्चार्ज हो रहे हैं और जो नए पेशेंट मिल रहे हैं उन दोनों का कंपेरिजन करो तो काफी सुखद स्थिति में आते हैं, और धीरे धीरे जो आज से एक महीने पहले था रेशियो बढ़ने का और उसमें जो मौतों का आंकड़ा था उस पे भी आप देखेंगे तो 2 कुछ समथिंग आ गई है, वो गिरावट आ गई है। नए पेशेंट जो गंभीर हो रहे हैं उन पे गिरावट आ गई है। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है, भोपाल में ही लगभग 250 डिस्चार्ज हो चुके हैं कुल पेशेंट में, तो मतलब 230-240 ही एक्टिव है, संख्या बढ़ती जा रही। तो ये तो खैर अभी थोड़ा सा 17 तारीख तक और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा रहा था कि अब ये समस्या इस बात की है कि जब ये पूरी तरह से लॉकडाउन था, लोग क्वारंटाइन में थे, तो जो नए पेशेंट आ रहे हैं तो वो यानी उनको आज से महीने भर पहले कोरोना हो गया था, 25 दिन पहले इन्फेक्टेड कैसे हैं, तो इसमें जो अब लक्षण नहीं मिल रहे हैं, कोरोना कैरियर्स मतलब अभी है और वो अपने जो इम्यूनिटी पावर है उसके कारण उनपे नहीं दिख रहे हैं, दूसरे पे दिख रहे हैं, तो जो लक्षण न दिखने की समस्या है वो थोड़ा सा गंभीर होगी, क्योंकि अगर लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी है लक्षण नहीं दिखते हैं, 14 दिन एडमिट रहते हैं और बिना लक्षण दिए डिस्चार्ज भी होते हैं, निगेटिव भी आ जाते हैं, तो दोनों चीजें हैं। अभी तो खैर देखना होगा कि क्या है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति 4-6 दिन 8 दिन ऐसी रहेगी कि 4 मिल गए, 10 मिल गए, 15 मिल गए, 20 मिल गए, इतने डिस्चार्ज हो गए, मुझे लगता है एक बुरा फेस सब गुजर गया ऐसा मुझे लगता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल सिंह बैस और इंदौर से हैं विकास सिंह सोलंकी। विकास, इंदौर में आलम क्या है? जैसे कि हम और त्रिपाठी जी बात कर रहे थे कि एक बढ़ोतरी जो थी उस पर थोड़ा सा विराम लगा है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा था उसमें भी गिरावट आई है, तो इंदौर का आलम क्या है? वहां पर इस लॉकडाउन का कितना प्रभावी असर रहा? सैंपलिंग कितनी हो रही है? नए केसेस कितने मिल रहे? क्या आंकड़ा कहता है? जी, निश्चित रूप से इंदौर के स्वास्थ्य विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया था उसके अंदर 408 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिसके अंदर 43 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो आंकड़ा बड़ा है। अगर बात करें 3-4 दिनों से कमी आई थी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, लेकिन रविवार के दिन फिर और एक बार आंकड़ा बढ़ा है और 43 जो मरीज है उनमें कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि इन्हें पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, 14 से 15 दिनों से क्वारंटाइन थे, इनकी सैंपलों में जो क्लियर हो रही थी उसके बाद इनकी रिपोर्ट आई है। भाई, इंदौर के अंदर देखने में आ रहा
मतलब पिछले दिनों में कि जो सिंपल है काफी पेंडिंग हो गए थे, लेकिन अब जो रोजाना यहाँ जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट शाम तक या दूसरे दिन आ रही है, तो इंदौर के लिए यह राहत भरी खबर है कि जो सैंपलिंग है वह टोटल हो रही है, उनकी रिपोर्ट जो है वो एक दिन के भीतर ही इंदौर में मिल पा रही है, जिससे जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं या उनके जो संपर्क में आए थे, ऐसी चेन ढूंढने में उन्हें कहीं ना कहीं जो है जो सैंपलिंग आ रही है जल्दी उससे फायदा दिखता दिख रहा है। विकास सर रोकेंगे, क्यों सैंपलिंग अब जल्दी आ रही है, क्या और लेबोरेटरी खुल गई है? जी निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो शुरुआत में जिस तरह से जांचें हो रही थी उसमें कई जांचें पेंडिंग हो गई थी, लेकिन अगर इंदौर के अंदर 1000 जो पीपीटी किट है, जो जांच करने की जो किट होती है, वह राज्य सरकार रोजाना पहुंचा रहा है, यही कारण है कि इंदौर के अंदर जो सैंपलिंग है उसमें बढ़ोतरी हुई थी। इंदौर के अंदर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अलावा जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसकी वायलोजी लैब है उसके अंदर भी जो है जांच की जा रही, यही कारण है कि सैंपलिंग जल्दी हो रही है, रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वह लगातार जल्दी सामने आ रहे हैं। वही नई क्षेत्रों के जो मरीज थे उनमें भी कमी देखने को मिल रही, नई संक्रमण जो क्षेत्र थे उन पर नहीं आ रहे, जो पुराने क्षेत्र है जैसा कि खजराना जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर के अंदर बन चुका है, चंदन नगर है, नयापुरा है, हाथीपाला है, इन क्षेत्रों के अंदर जो कोरोना संक्रमित मरीज थे जिनके संपर्क में आए थे उसके बाद ही उनके जो लोग थे उनके सैंपल लिए गए थे और उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि आंकड़ों के अंदर लगातार कमी आ रही है, भाई इंदौर के अंदर राहत भरी खबर जो है रोजाना कई मरीज जो है अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो 363 मरीज कल तक डिस्चार्ज हो चुके थे और 100 और नए मरीज आज इंदौर में शाम तक डिस्चार्ज होने की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, जिसमें 40 से 50 जो मरीज है वह इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे, वहीं 41 मरीज जो है अरविंदो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे शाम को 6 बजे। तो राहत भरे खबर है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव हो विकास आपने कहा क्या अब सैंपल पांडिचेरी दिल्ली नहीं भेजे जा रहे हैं, इंदौर में ही सारे सैंपल टेस्ट ले लिए जा रहे हैं, और इस समय प्रतिदिन कितने सैंपल लिए जा रहे हैं लगभग? निश्चित रूप से जो पांडुचेरी से 1 लाख का जो सैंपल की रिपोर्ट है वह आना बाकी है, लेकिन जो इंदौर के अंदर सैंपलिंग की जा रही है, जैसा कि कल 408 मरीजों के सैंपल लिए गए थे तो उनकी जांच रिपोर्ट कल रात को ही आ जाती है, तो लगातार जो 408 सैंपल ये पूरे इंदौर में ही टेस्ट हुए हैं इनके? जी निश्चित रूप से 408 पूरे इंदौर जिले के ही सैंपल थे, उनकी जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें 43-43 मरीज पाए गए थे। जी जो क्वारंटाइन कर दिए गए थे, आपने बताया कि जो 400 के लगभग सैंपल लिए गए वो सारे क्वारंटाइन थे, जिसमें 42 ही पॉजिटिव आए हैं, तो बाकी लोगों को क्वारंटाइन से हटा दिया छोड़ दिया गया है जिनकी नेगेटिव आई है? जी जिन लोगों के क्वारंटाइन जिनको कर रखा था जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उन्हें स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार जो है जहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था मेरिज गार्डन हो या जो पार्क हो वहाँ से उन्हें घर वापसी की जा रही है। जिस तरह से जो स्वस्थ मरीज हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव ऐसे जो क्वारंटाइन मरीज थे उनमें भी कमी आई है। अगर अभी बात करें तो 1000 के लगभग आप इसको डबल कर रहे हो विकास, स्वस्थ मरीजों का मामला अलग है, आपने बताया कि लगभग 100 लोग डिस्चार्ज होंगे जिनको कोरोना पॉजिटिव आया था वो अरविंदो हॉस्पिटल और इंडेक्स में थे उनको डिस्चार्ज, वो मुद्दा अलग है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्वारंटाइन जो किए गए थे 400 ही ज्यादातर लोग क्वारंटाइन थे, जो कल सैंपल आया रिपोर्ट जिसकी आई है उसमें 42 ही पॉजिटिव आए हैं, तो जिन लोगों को क्वारंटाइन शक के आधार पर संदेह के आधार पर किया गया था तो उनकी निगेटिव आ गई है, तो क्या उनको छोड़ दिया है कि आप वापस चले गए? निश्चित रूप से जो क्वारंटाइन में थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें घर वापसी कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उन्हें हिदायत दी है कि अब वह घर के अंदर 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, वह घरों से बाहर नहीं निकले, उनको किस तरह की खुराक लेना है इसका भी जो निर्देश है वह स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर की टीम उन्हें दे रही है। जिन जिन लोगों की जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है कोरोना की उनको उसी दिन जो है घर वापसी कर दी जाती है। यही कारण है कि इंदौर के जो मेरिज पार्क और गार्डनों के अंदर जो क्वारंटाइन किए गए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही थी वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। रोजाना जो 300 से 400 लोग जो क्वारंटाइन किए गए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उनकी घर वापसी करा दी जाती है। जी एक सवाल विकास और है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है वहां के कलेक्टर ने भी कहा है कि अब कमी आई है या गिरावट आई है, इस गिरावट की वजह वो किसको मानते हैं? क्या उन्होंने सख्ती की या लॉकडाउन है या उपचार अच्छा हो रहा है, एहतियात ज्यादा बरते जा रहे हैं, किस चीज को मानते हैं? अगर लॉकडाउन को मानते हैं तो आज नहीं कल खुलेगा तो हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे।
जी निश्चित रूप से आज हमने इंदौर कलेक्टर जो है मनीष सिंह से भी बात की थी, जो सीएचएमओ है डॉक्टर जड़िया उनसे भी बात की थी। इंदौर की हालत में जो सुधार आ रहा है, सबसे पहले प्रशासन ने उन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया था जिन हॉटस्पॉट के अंदर कोरोना संक्रमित मरीज लगातार पाए जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वहां पर 3 किलोमीटर के दायरे के इंदौर प्रशासन ने सील कर दिया था, किसी को भी घरों से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। यही कारण है कि इंदौर के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके संक्रमित जो थे वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सके, और दूसरा कारण यह है कि जो मरीज थे जिनके संपर्क में आए थे, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही थी, जो जिनको भी लक्षण मिल रहे थे या जो भी संदिग्ध पाए जा रहे थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो यही कारण है कि इंदौर के अंदर आंकड़ों में गिरावट आई है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए, जो केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो तीसरा जो चरण है वह जो लॉकडाउन का वह खुल गया है, कई शहरों को राहत भी दी गई है। लेकिन विकास ये जानना चाहेंगे थोड़ा वहाँ कुछ राहत मिली है क्या, लोगों को किराने की दुकान या सब्जी की दुकान कुछ खुल गई है कि अभी भी वही स्थिति है संक्षेप में? जी निश्चित रूप से तीसरे चरण के अंदर भी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कहा है कि जिस तरह से द्वितीय चरण के जो लॉकडाउन था उसके अंदर जो सुविधाएं दी जा रही थी सिर्फ वही सुविधाएं जो है इंदौर में। मनीष सिंह ने साफ कहा है ये तो मान लेता हूँ, आपने क्या देखा है इंदौर में दृश्य? आज तीसरे चरण का लॉकडाउन है, लेकिन जो लोगों का जो देखने में आ रहा था कि दूसरे चरण में लोग सख्ती का पालन कर रहे थे, लेकिन आज बड़ी तादाद में जो लोगों घरों से बाहर देखते हुए पाए गए, चाहे वो सब्जी के लिए हो, दूध के लिए हो, फल के लिए हो, लेकिन आज कलेक्टर के अंदर भी जो अन्य राज्यों के या जो अन्य जिलों के जो लोग रह रहे हैं वो बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस परमिशन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती की है और उनको हिदायत दी है कि जो इंदौर जिले के या इंदौर जो प्रदेश के जिले हैं उनमें किसी भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं। विकास मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फलों सब्जी के लिए लोग निकले क्या? अगर फल और सब्जी मिल रही है क्या, ठेलों में मिल रही है, आपने क्या देखा दृश्य? ये अलग बात है कि मनीष सिंह जी ने क्या कहा। इंदौर के अंदर किसी भी तरह की किराना की दुकान ना खोली जा रही, ना ही सब्जी की दुकान खोली जा रही है। जो नगर निगम की तर्ज पर जैसे कि राशन वितरण घर घर जाकर निगम कर्मी बांट रहे थे, वैसे ही सब्जियां अभी 4 दिन पहले शुरू हुई थी और सब्जियों जो ऑर्डर देता है 150 रुपए का एक पार्सल है उसे दी जा रही है। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ सवाल तो नहीं करना है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। निर्मल जी क्या कुछ प्रदेश स्तर पे क्या निकल के आया है, कोई नए आदेश? आज तो आदेश पहले ये था कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन रेड जोन छोड़ करके जो हमारे पास आदेश है, इस आदेश के तहत कि प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिले में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी, लेकिन रेड जोन में ही जो जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निवाड़, खंडवा, देवास, ग्वालियर जिलों की मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी, क्या है इसके अलावा और क्या नया आदेश है? देखिए दिक्कत तो सबसे बड़ी अब ये पैदा हो गई है मदिरा प्रेमियों के लिए कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने संगठित होकर बैठक की और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो कल से दुकानें नहीं खोलेंगे, और सरकार अगर उन्हें बाध्य करेगी तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे। तो जो बातें चल रही थी, जो उम्मीदें थी मदिरा प्रेमियों को कि कल से शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो वो फिलहाल अभी तक की स्थिति में नहीं खुल रही है। ठेकेदारों का यह कहना है कि सरकार एक तरफा दुकान खोलने के और बंद करने के अधिकार अपने पास रखती है, इसके अलावा जो है अगर शराब की दुकानें खोली जाती है प्रदेश में तो जो रेड जोन के इलाके हैं वहां जो तस्करी होगी उसका खामियाजा जो है वहां के ठेकेदार को जो कि रेड जोन में है उसको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उनका यह कहना है, जनता की चिंता भी देखिए यहां पे शराब ठेकेदारों ने दिखाई, उनका यह कहना है कि मान लीजिए रेड जोन से शराब निकलती है और ग्रीन जोन में जाकर संक्रमित करती है किसी को, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सब तर्क देने के बाद, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आज सुबह जो बैठक बुलाई थी उनमें उन ठेकेदारों को नहीं बुलाया गया, तो जो अभी फिलहाल की स्थिति है उसमें तो रेड, ग्रीन, ऑरेंज किसी भी जोन में ठेकेदारों के मुताबिक शराब की दुकान नहीं। सरकार के मुताबिक क्या है अभी? सरकार, जाहिर सी बात है अभी ठेकेदारों का ये ताजा निर्णय है, अब सरकार पहल करेगी और किस तरीके से ठेकेदारों को कन्विंस करती है, कर पाती है नहीं कर पाती है, ये सारी बातें फिलहाल देखने वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है कि वाणिज्यिक कर आयु आप का जो महकमा है, आबकारी आयुक्त हैं, ये तमाम लोग अब सक्रिय हो गए होंगे। जी चलिए और क्या नया आदेश है निर्मल जी, हम आपके पास आएंगे। अरविंद जबलपुर जुड़ गए अपने साथ। बिल्कुल
अरविंद जी, जिस तरीके से जबलपुर एक समय था, आज से करीब 30 दिन पहले की बात करें तो 8 मरीज के तकरीबन थे, और कुछ एक महीने के अंदर ऐसा क्या ड्रामेटिकली चेंज आया कि वहां मरीज अब 100 के तकरीबन पहुंच गए? और आज शायद जबलपुर में अरविंद मृत्यु भी हुई है कोरोना पॉजिटिव की? जी 98 मरीज इस वक्त संक्रमित मरीज हैं जबलपुर में, उनमें से 12 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 2 की अनफॉर्चुनेटली मौत हो चुकी है। तो अभी जो 84 बचे हुए हैं उनका इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में। आपने पूछा जो स्थिति अब बदली, जो आकलन हमारी तरफ से किया गया है वो आकलन ये रहा है कि लोग एक के बाद एक संक्रमित होते चले गए, इस वजह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। एक वजह ये थी, दूसरी जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि दूसरे शहरों से लगातार लोग आते रहे, अपनी बात को वो छुपाते रहे, उन्हें बीमारियां थी, वे संक्रमित थे, उन्हें तरह तरह के सिम्टम्स बताए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से अपने घर के लोगों से इस बात को छुपाकर रखा, और जब परिणाम घातक होने लगे तब सामने बात आई, और तब तक वो काफी लोगों को संक्रमित कर चुके थे, दूसरा बड़ा कारण। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो एक वो महिला थी जिसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन मौत के पहले तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, मौत के बाद ये पता लगा कि वो कोरोना संक्रमित थी, लेकिन तब तक उसकी डेड बॉडी घर पहुंच चुकी थी। घर पर तमाम लोगों ने वो जो रिचुअल्स, जो परंपराएं होती हैं धार्मिक, उन परंपराओं को किया, और उसके बाद तमाम लोग जनाजे में शामिल हुए, और जो लोग जनाजे में शामिल हुए उनमें से अभी तक 28 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तीन बड़ी वजह मैंने आपको गिनाई जिनमें से जबलपुर में आंकड़ा 4 से 98 तक पहुंच गया और 2 मौतें झेल चुका है, और लगभग मेरे पास जो इस वक्त आंकड़ा है 2687 ऐसे मरीज इस वक्त हैं जो हाई रिस्क पेशेंट कहला रहे हैं। हाई रिस्क पेशेंट का मतलब ये होता है कि वे लगभग कोरोना संक्रमण के आसपास तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि दवाइयां उनको दी जा रही हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट बार बार नेगेटिव शो कर रही है, लेकिन किसी भी दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, इसलिए मेडिकल अस्पताल में उन्हें भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये भयानक तस्वीर इन तीन वजहों से आई है जो अभी तक स्वराज एक्सप्रेस ने अपने तरह से जो आकलन किया है उसकी तरह मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि लोग बाहर से आए, तो जाहिर है वहां का प्रशासन लॉकडाउन स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है और सख्त फॉलो कर रहा है, तो फिर जब वो आए तो उन्हें क्या क्वारंटाइन नहीं किया गया था, आइसोलेटेड नहीं किया गया था, फिर लोगों को इन्फेक्टेड कैसे कर दिया उन्होंने? या वो चुपचाप आ गए कहीं से, जो मेन हाईवे है वहां तो पुलिस के चेकिंग लगी हुई है, तो क्या दूसरे रास्तों से आ गए घर? क्या सबसे पहले जो 4 जो संक्रमित पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले कोरोना संक्रमित थे वे ट्रेन से आए थे, और ट्रेन से जब उतरे तब प्लेटफॉर्म पर लगातार चेकिंग होने के बावजूद भी उन्हें चेक नहीं किया गया था और वे आ गए थे, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं वो अग्रवाल परिवार है, और उस अग्रवाल परिवार ने लगभग 12 लोगों को संक्रमित किया, तो वहां कोई चेकिंग नहीं थी। इसके बाद 2 लोग और आए जो कि बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट से आए थे, और जब उनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर की गई तब ऐसे कोई संदेहास्पद उनके सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जब वे घर आए, घर में आने के बाद लगभग 10 दिन बाद वो संक्रमित पाए गए, उन्होंने कई लोगों को संक्रमित किया। तो ये संक्रमण का 2 कारण ये वजह थी, और जो बाहर से आए वो ऐसे लोग थे जो सड़क मार्ग से आए थे, लेकिन उन्हें भी क्वारंटाइन करने के लिए भी सलाह दी गई थी, लेकिन वे बाहर घूम रहे थे, और जब उनकी जांच की गई थी तब उनका पहला टेस्ट नेगेटिव आया था, इस वजह से उन्हें खुली छूट दे दी गई थी, और वे आराम इत्मीनान से समाज के बीच में अपनी अपनी कार्यप्रणाली में व्यस्त थे, अपने रोज के कामकाज में व्यस्त थे, लेकिन संक्रमण उनके शरीर के अंदर था, और जब 10 से 12 दिन बाद वो संक्रमण फैला तो न केवल उनके पास से रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी पॉजिटिव होते चले गए, ये बड़ी वजह थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जबलपुर में दूसरे शहरों की अपेक्षा स्वास्थ्य विभाग ने, जिला प्रशासन ने कहीं ज्यादा मेहनत से काम किया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल सर्वे किए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है घनी आबादी में। 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है कि 1.5 लाख लोगों के सैंपल, 1.5 लाख लोग सैंपल तो नहीं हो सकते? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ, वो सैंपलिंग जो थी वो स्क्रीनिंग है, 1.5 लाख लोगों की सैंपलिंग की गई है, और जो आंकड़े बता रहे हैं मेरे पास वो लगभग इसमें 216 लोगों का उन्होंने तुरंत में वहां पर सैंपल किया था, और उन 216 में से 20 से ज्यादा लोग तुरंत में पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क हुआ था जो कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाया था। और जब अभी टोटल कितने सैंपलिंग हुई जबलपुर में? देखिए इस वक्त जो मेरे पास आंकड़े हैं और जो आज सुबह हमें जिला कलेक्टर ने आंकड़े दिए, उन्होंने बताया है कि 32,000 सैंपल वो अभी तक भेज चुके हैं,
उनमें जबलपुर की आईसीएमआर लैब है, ग्वालियर और सागर की लेबोरेटरी है। यानी तीन लेबोरेटरी में वो 32,000 सैंपल अभी तक भेज चुके हैं और उनमें से 98 को पॉजिटिव उन्होंने पाया है। कुछ सैंपल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके आने की अभी उम्मीद की जा रही है, एक दो दिन में आ जाएंगे और उसके बाद ये सैंपलिंग रोज होती है और रोज भेजे जाते हैं। तो अरविंद जी, जो भी पेंडिंग में लगभग 550 से ज्यादा सैंपल अकेले जबलपुर के आईसीएमआर में इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। सागर और भोपाल की लैब में पेंडिंग पड़े हुए आंकड़े अभी तक हमको नहीं बताए गए हैं, हमने उन्हें आज सुबह पूछा था, लेकिन वे सिर्फ आईसीएमआर लैब के ही आंकड़े हमें बता पाए। 550 से ज्यादा लैब में अभी इस वक्त जो सैंपल है वो टेस्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 96 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं, इतनी ही क्षमता आईसीएमआर लैब की है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि लंबा वक्त लगेगा इन तमाम सैंपल की रिपोर्ट आने में। जाहिर सी बात है, ऐसे में सागर और भोपाल की मदद ली जा रही है आने वाले वक्त में। तो रीवा मेडिकल में जैसे ही वहां पर मेडिकल कॉलेज में लैब एस्टेब्लिश हो जाएगा, काम करना प्रारंभ होगा, तो रीवा में भी लैब में भी सैंपल भेजे जाएंगे और वहां से भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव की स्थिति पता लगेगी। तीन दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक नई लैब भी तैयार हो रही है, तीन दिन के अंदर यहाँ पर भी सैंपल टेस्ट का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ में ये जानना चाहेंगे, खैर ये तो आपने आंकड़े बता दिए हैं कि कितने मिले हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं। आज एक डेथ भी हुई है, वो डेथ क्या सिम्टम्स थे, उनकी एज क्या थी, क्या वो पहले पुरानी किसी बीमारी से भी ग्रसित थे? जी हाँ बिल्कुल, वे 61 वर्षीय डॉक्टर एके पांडे साहब हैं जो विजयनगर में रहते थे और ये 23 मार्च को बैंगलोर से प्लेन के जरिए जबलपुर आए थे और तब इनका नाम पता नोट कर लिया गया था। इन्हें किडनी की गंभीर बीमारी थी, तीन बार इनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और इसके बाद शुगर के गंभीर पेशेंट थे, तीन बीमारियां उनके साथ थी और अचानक वे बाथरूम में गिर गए थे जिससे उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। तो ये एक और गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी और जब वे इसका इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में पहुंचे थे तब उन्हें कहा गया था कि आप कोरोना टेस्ट पहले कराइएगा, उसके बाद आपका इलाज प्रारंभ होगा। लेकिन तब तक उन्हें मेडिकल अस्पताल में भेज दिया गया था और तब से वे वहीं पर से अपना इलाज करा रहे थे। 26 अप्रैल को उन्हें एडमिट किया गया था मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और रविवार सोमवार की दरमियानी रात को उनकी मौत हो गई है। चिकित्सकों का यही मानना है कि चूंकि तीन बड़ी गंभीर बीमारियां थी और कोरोना से संक्रमित थे तो अब वजह ढूंढी जा रही है, जैसी वो वजह क्लियर तौर पर मालूम होगी तो कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मृत के नाम पर उनका नाम दर्ज हो चुका है। किडनी खराब थी तो डायलिसिस भी हो रहा था क्या उनका? नहीं, देखिए उनकी डायलिसिस की स्थिति नहीं थी, डायलिसिस उनका नहीं किया जा रहा था और लेकिन उनकी चूंकि बाईपास सर्जरी हो चुकी थी तो उसकी वजह से वे लगातार वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टर 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे थे। तो डॉक्टर का यही मानना है कि तीन गंभीर बीमारियां साथ में थी, कोरोना इसके बाद आया तो जाहिर सी बात है कि कुछ जरा हैवी मेडिसिन या जो अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है कोरोना पेशेंट को, उनको देने में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी हिचकिचा रहे थे। जो बीमारी का इलाज है वो धीमी गति से चल रहा था लेकिन वे रिकवर नहीं कर पा रहे थे। सवाल कि जिस तरीके से कामकाज थोड़ा शुरू हो गया, तुम्हारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है क्या, वहां पर भी कामकाज शुरू हो गया? जी बिल्कुल, एक मई से वहां पर कामकाज शुरू कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहा गया है कि 30% ज्यादा कामगार नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे ही जैसा हम सब जानते हैं कि जिस इन फैक्ट्री से पिछले 10 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है तो कामगारों की संख्या बहुत कम है। जो असेंशियल ड्यूटीज हैं उनमें पूरे कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं, गोला बारूद बनाने का काम, हथियारों में भरने का काम, मिसाइल की टेस्टिंग का काम या कोई गन्स की टेस्टिंग का काम है, वो सब कुछ इस वक्त चालू हो चुका है। वहाँ किसी भी तरह कोई बाइंडिंग नहीं रखी गई है, बहुत इत्मीनान से वहाँ पर काम हो रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। निर्मल जी, हमारे साथ लगातार बने हुए नए आदेश, ठीक है, शराब की दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी अलग मुद्दा है, ठेकेदारों ने क्या रणनीति बनाई है वो भी अलग मुद्दा है, कुछ और नए आदेश, भोपाल के क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन फेज 3 के आज पहला दिन था और उसकी जो शुरुआत हुई सुबह से वो जो अन्य दिन थे जो अब तक चले आ रहे थे लगभग वैसी ही शुरुआत हुई है। बल्कि आज एक कलेक्टर ने एक आदेश को एक रिव्यू किया है, फिर से एक और आदेश जारी किया है और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि 17 मई तक भोपाल में लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी कि जो अभी तक स्थितियां थी वो यथावत जारी रहेंगी। इसके अलावा शाम सुबह 7 से शाम 7 बजे
ये उन्होंने मेंशन किया है। यदि रात में 7 बजे के शाम के 7 के बाद और सुबह 7 तक जो है अनावश्यक तौर पर अगर कोई दिखता है तो उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी, एडिशनल साथ में और जोर दिया गया है। और ये बात अलग है कि चूंकि 33% उपस्थिति के साथ केंद्र सरकार के जो कार्यालय खुल गए हैं तो वो आज थोड़ी सी चहल पहल कुछ कर्मचारियों की सुबह नजर आई। इसके अलावा RTO कार्यालय भी भोपाल का खोल दिया गया है, हालांकि वो आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, तो वहां कुछ कामकाज होता हुआ आज नजर आया। तो बहुत ज्यादा बदलाव जो भोपाल का जन सामान्य है उसमें जो फेज 3 की शुरुआत में जो उसने चरण में कदम रखा है तो उसमें कोई खास अंतर नहीं नजर आया। और आज सुबह से अब तक की बात करें तो 18 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के बढ़ गए हैं और ये आंकड़ा अब जो है 540 पर जा चुका है। थोड़ी सी राहत की बात ये कल की जो मेडिकल बुलेटिन हुआ था उसमें 18 बढ़े थे कि आज नया आ गया हुआ? नहीं, ये कल के मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से जो है 532 मरीज थे, 18 और इजाफा हो गया तो 540 का पॉजिटिव का आंकड़ा जा रहा है भोपाल का अभी फिलहाल की बात करें तो। कल की चूंकि आपने बात की है तो एक थोड़ी सी अच्छी बात यहां पर यह नजर आ रही है कि कल अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 174 जो है वो मरीज जो है मिले थे, वो मरीज डिस्चार्ज होकर कल घर गए थे और सिर्फ 50 पॉजिटिव पूरे प्रदेश में मिले थे। तो ये एक कल की बात करें बीते हुए की तो ये एक थोड़ी सी ठीक बात यहाँ पर नजर आ रही है। और चूंकि आप आदेश का जिक्र कर रहे थे तो एक और आदेश जारी हो गया है, वो आदेश आपसे जानेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रेम सिंह लोधी जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह, वहां पर कितने कोरोना के संक्रमित लोग हैं, क्योंकि एक मौत वहां हो चुकी है, अभी कितने संदिग्ध हैं, कितने क्वारंटाइन है, सैंपलिंग का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? जी, यहाँ पर जबलपुर में 98 मरीज संक्रमित हुए थे, 12 स्वस्थ होकर घर चले गए। जबलपुर की नहीं पूछ रहे प्रेम सिंह जी, हम आपके शाहपुरा का पूछ रहे हैं कि जो जबलपुर में 98 पूरे जिले में है उनमें शाहपुरा से कितने हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। जी, शाहपुरा से 2 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था लेकिन उनमें पॉजिटिव नहीं पाए गए सैंपल आने के बाद। अच्छा। और एक पाटन में मतलब पॉजिटिव पेशेंट रहा। जी। और हाँ बोलिए, शाहपुरा से सैंपल कितने लिए गए थे? टोटल 2 ही? शाहपुरा से 3 सैंपल लिए जा चुके हैं सर, और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। हाँ। लेकिन उनमें पॉजिटिव नहीं पाया गया। तीनों का हाँ, बाहर से कोई आया, कितने लोग क्वारंटाइन, व्यवस्थाएं क्या कुछ है क्वारंटाइन करने के लिए, होम क्वारंटाइन किया गया है, सेंटर में रखा गया? होम क्वारंटाइन किया गया था, यहाँ हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध रहे, उन्हीं ने सैंपल इनका टेस्ट करवाया था यहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा। वहाँ सब्जी वगैरह मिल रही है आपके? जी, सब्जी मिल रही है और कल से दुकानें खुली जाएंगी, राशन दुकान है और किराने की दुकान भी, और यथावत वही नियम लागू रहेंगे जो पहले से होंगे। सब्जी वगैरह वो तो भोपाल में भी मिल रही है, सब हर लगभग हर जगह मिल रही है, भोपाल का बड़ा रेड जोन है। सब्जी तो चौराहों में भी मिल रही होगी, आम आदमी बेच रहे हैं कि नगर निगम ही के द्वारा बेची जा रही? जी, सब्जी ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर आती है नगर के लिए और यहीं से सप्लाई होती है सब्जी। और कल से नियम ये लागू हो गया है कि दूध की जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बेचा जा सकता है, और किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रेम सिंह आपको बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल सिंह जी, आप बात कर रहे थे जिक्र का, एक और जो आदेश है उसका कि प्रदेश के ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं तो उनको ई पास जारी किया जाए, तो इस पर सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जो कर्मचारी हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड ही उनका ई पास माना जाएगा और उनको
जहां उनका कार्यस्थल है, जिस जिले में भी उनकी ड्यूटी लगी है, भले ही वो रेड जोन से निकल के आए, ग्रीन जोन में जाए, तो वो बखूबी वहां से अपना आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। तो ये एक राहत कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सरकार ने दी है। हालांकि इससे सरकार का भी फायदा होगा, जो कर्मचारी अटके पड़े हैं वो उसे वापस मिल जाएंगे। साथ ही जो अभी बात चल रही थी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रदेश भर की बात करें तो 2387 अगर कल के बुलेटिन की बात करें, एक अच्छी बात यह नजर आई कल के बुलेटिन में कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जिले हैं वहां का जो मरीजों के आंकड़ा था वो दो अंकों में ही तक ही सीमित था। तो एक ये जरूर कहीं ना कहीं अच्छी बात नजर आई कल के बुलेटिन में, आज हो सकता है इसमें इजाफा हो जाए। इसके अलावा एक और यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक बार फिर रोक देते हैं निर्मल आपको, क्योंकि आप और कुछ ज्यादा बताने वाले हैं, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। आंकड़ा रिलीज होने वाले, डिस्चार्ज होने वाले पेशेंटों का भी लगातार बढ़ रहा है। अमित यादव जुड़ गए हैं कटनी से। अमित, वहां पर कितने लोग संक्रमित हैं या कितने लोग जो है क्वारंटाइन किए गए हैं और कितने लोगों की सैंपलिंग हो गई है, रिपोर्ट कितनी शेष है? जी, आपको बताना चाहूंगा कट्टी तो इस तरीके के कोई भी संपूर्ण पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है। अभी कुछ दिनों पूर्व पे जिला केवरा में एक पास एक महिला यहाँ पर इलाज कटनी में कराने आई हुई थी, उसी दौरान उसे सैंपल थे जो जबलपुर भेजे गए थे, जो कुछ सैंपल मिले गए और उसे तुरंत ही जबलपुर रेफर कर दिया गया। वो पॉजिटिव थी क्या महिला? जी हाँ, वो पॉजिटिव पाई गई थी महिला। तो अभी आपके यहाँ कटनी में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, तो सैंपल कितने लिए गए कुल कटनी जिले में? सैंपल लगभग 54 ले लिए गए हैं, जिसे कहा जाए कि 37 जो आए नेगेटिव आए हुए हैं, 8 और जो है वो आने वाली ये रिपोर्ट है। उम्मीद है वो भी नेगेटिव ही है। और वहां पर सब्जी राशन किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है, कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जी, राशन की सुबह तो दुकानें खुल दी जाती है लगभग 12 बजे तक, ठीक है, सुबह 7 से 12 बजे तक, उसी दौरान फिर 12 बजे बाद बंद कर दी जाती है। ठीक है। अनाज मंडी के क्या खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर खरीदी केंद्रों पर किसान अपना अनाज लेकर? कृषि मंडी पे किसान पहुंच रहे हैं क्या अनाज लेकर के? जी हाँ, मैं बता दूंगा, कृषि उपज मंडी खरीद चालू हो चुकी है और किसान काफी तादाद पर लोग आ रहे हैं, लेकिन कम, जो कहा गया लॉकडाउन था इनको देखते हुए भी कुछ लोग काफी भ्रमित है, खरीद के केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो SMS के जरिए पहुंच रहे हैं तो वो कमी तादाद में पहुंचेंगे। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए तो बड़ी शुक्रिया। सवाल नहीं, एक बार और पूछ लिया जाए कि क्वारंटाइन सेंटर कितने बनाए गए हैं? कटनी जिला है तो क्या जिला अस्पताल में व्यवस्था है क्या आइसोलेशन वार्ड की, क्वारंटाइन वार्ड की? बिल्कुल अमित, वहां पर कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए? निवेदन है कि अपने जो भी कैमरामैन उनसे कहेगा हाथ हटाए। हाँ बिल्कुल, तस्वीर देख पा रहे हैं जिस तरीके से वहां पर लोग क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ की है, घर पे या सेंटर बनाए गए हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, अस्पतालों में तो एक कहा जाए कि जो प्राइवेट वार्ड थे वो तो पूरे कंट्रोल वो कर दिए गए हैं, जो वहां पर जो कोई भी सैंपल अगर होते हैं या किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखते हैं वो मरीज वहां पर एडमिट कर दिए जाते हैं, और जैसे छात्रावास है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भी ऐसे सेंटर बनाए गए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, आप जिक्र कर रहे थे किसी अहम बात करिए, एक नया आदेश, लेकिन इसमें जो आप बता रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने उनको ई पास बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना आई कार्ड दिखा के आ सकते हैं, तो ये मुख्यमंत्री का ये आदेश तो सिर्फ प्रदेश के लिए है। अगर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या किसी अन्य जिले में कोई फंसा है तो वो मध्य प्रदेश के आई कार्ड को कैसे मानेगा? एक दूसरा, क्या प्राइवेट जो संस्थान है उनके आई कार्ड को भी मान्य करेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल साफ है कि ये अभी तक बात जो है ये सीमित है, ये मांग प्रदेश की थी और ये बात भी प्रदेश तक ही सीमित है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में ही आने जाने में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा कि उनका सरकारी कर्मचारियों का जो आईडी कार्ड है उसको ही ई पास मान लिया जाएगा। बाहर के स्टेट्स को लेकर अभी तक किसी कर्मचारी संगठन ने ना तो मांग उठाई है ना ही सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, तो उस बारे में अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी, कुछ और जानकारी नहीं तो धन्यवाद कर लें।
देखिए अब वही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता के कारण जो थोड़ा सा आज गरीबों का भला हुआ मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। सोनिया गांधी ने ये कहा था, ये ऐलान किया था कि जो गरीब मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो ट्रेन से आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से और बस से आ रहे हैं, तो उनका किराया जो है कांग्रेस पार्टी देगी। और उसके कुछ देर बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का एक वीडियो जारी हुआ, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम जो है बस और ट्रेन का खर्चा देंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल अलहदा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ही इस बात को कह चुके थे, लेकिन इन सब का कारण ये जरूर फायदा हुआ कि आज इस बात के आदेश सभी जिला कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं कि वो रेलवे से संपर्क करें, कोऑर्डिनेशन बनाए और जो गरीब मजदूर हैं उनका जो है किराया ना लिया जाए। इसमें एक चीज और है, 85% केंद्र सरकार देगी और जो 15% है वो राज्य सरकार इसका वहन करेगी। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। निर्मल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद एजाज खान जो के हैं संवाददाता बड़वारा के। मोहम्मद एजाज, वहां पर कोई संक्रमित व्यक्ति या कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, कितने लोगों की रिपोर्ट अब तक आ गई है, क्या स्टेटस है रिपोर्ट्स का? मोहम्मद एजाज आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निवेदन है कि माइक आप थोड़ा सा करीब लाएंगे तो आपकी आवाज दर्शक सुन पाएंगे। जी सर सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप बोलिए, आपकी भी आ रही है। जी सर बात अगर बड़वारा की करें तो बड़वारा में बहुत सारी लोगों की रिपोर्ट जबलपुर भेजी गई थी, यहाँ दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और यहाँ पे 7,600 लोगों की सॉरी 4,566 लोगों की स्कैनिंग की गई है जिसमें किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। बड़वारा प्रॉपर में हम जानना चाहेंगे कितने स्कैनिंग की गई और कितने सैंपल लिए गए? जी दो संदिग्धों की सैंपल लिए गए थे जिन्हें जबलपुर भेजा गया था, दोनों की रिपोर्टें निगेटिव आई है और यहाँ पे 4,565 लोगों की स्कैनिंग की गई है जिसमें किसी के भी कोरोना के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। चले वहाँ की बाकी स्थिति क्या है पूछ लेते हैं। राशन वगैरह मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं कि होम आइसोलेटेड या फिर क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको क्या कुछ व्यवस्था है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दूसरे राज्यों से मजदूर आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक जी 7 बजे सुबह से 5 बजे तक 4 बजे शाम तक किराना दुकान खुलने की अनुमति दी गई है। उसी आधार पर जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक लोग यहाँ पे आते हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए सामान की खरीदी कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपको मोहम्मद अजाज बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो ये कैसे जीना सीखना होगा? निश्चित तौर पर कहेंगे दीपक, जैसे ही 40 दिन पूरे हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी 40 दिन की वो कि 3 मई को ये कोरोना खत्म उसका जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा, लेकिन उसी के साथ 14 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया गया, तो आज एक अजीब सी स्थिति पूरे शहर में क्या पूरे प्रदेश में पैदा हो गई कि जो गलतफहमी के शिकार लोग हुए, क्योंकि सीएम शिवराज ने ये कहा था कि जान है तो जहान है, उसी के चलते लोगों ने ये समझा कि जो प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस हैं वो भी खोले जाएंगे 30% लोगों के साथ। तो आज सुबह सुबह स्थिति ये निर्मित हुई जब हम लोग जाके देखा कि लोग अपने घरों से निकलकर अपने अपने ऑफिस उन्होंने खोल लिए और ऑफिस खोलने के बाद जब ये पुलिस को प्रशासन को पता लगा कि अब जो आशासकीय ऑफिस भी खुल गए हैं तो वो उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सारे ऑफिस खुल जाना कहीं ना कहीं जो कोरोना जो संक्रमण है वो फैलने की दिशा में काम करेगा। जिसके चलते तुरंत आनंद फानंद में जो यहाँ कलेक्टर ने उन्हें एक वीडियो वर्क जारी करनी पड़ी और कहा कि जो भी नियम लागू है वो सिर्फ शासकीय ऑफिस के लिए है, इसलिए सभी से अनुरोध किया जाता है कि वो कोई भी ना निकले। 17 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, तो आज सुबह सुबह कहें कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया, क्योंकि जगह जगह पुलिस भी लगी थी, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने शायद वो समझ नहीं पाया होगा। अरविंद, मैं सारी जानकारी आपसे लूंगा। हमारे साथ मनोज तिवारी जुड़ गए बोहरीबंद से। बिल्कुल मनोज, वहां पर कोई संक्रमित है, कितने लोग क्वारंटाइन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? नहीं सर, यहाँ तो अभी ऐसा नहीं पाया गया, एक पाया गया था जिले में,
उसको भी जबलपुर रेफर कर दिया गया था, इसके बाद कोई पॉजिटिव नहीं आया है। नहीं, दिल्ली में पाया गया था बोरीबंद का आदमी? नहीं, बोरीबंद का कटनी में पाया गया सर। अच्छा, तो वो संदिग्ध पाया गया था? जी, संदिग्ध पाया गया था। निगेटिव रिपोर्ट आ गई उनकी? हाँ सर, उसकी निगेटिव रिपोर्ट आई। बोरीबंद से कुल सैंपल कितने लिए गए हैं, कितने की स्क्रीनिंग की गई? सर 12 लोगों के सैंपल किए गए थे, लिए गए थे। 12 लोगों के बाद में 8 लोगों को पहले टेस्ट हो गया था, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, 4 की 8 निगेटिव आई है। मतलब 12 के 12 बोरीबंद में बिल्कुल सामान्य है सब, 0 0 0 0 है। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई। लेकिन ये बताइए कि वहाँ खाने पीने का सामान मिल रहा है, सहज लोगों को राशन वोशन मिल रहा है? जी सर, यहाँ क्या की होम डिलीवरी हो रही है, एनटीएम के द्वारा टीम बनाई गई है जिसमें नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा जी और दीदी तिवारी दोनों घर घर जा करके पूछ रहे हैं और दे रहे हैं सामग्री। ठीक है, और वहाँ पर तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, कितने लोगों को, जैसे कोई भी बाहर से आता है, मजदूर आता है, तो उसके होम क्वारंटाइन किया जाता है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ सर, यहाँ होम क्वारंटाइन बनाया गया है छात्रावास में, बोरीबर में 2 छात्रावास आरक्षित किए गए हैं उसके लिए, जिसमें 30 लोगों को रखा गया है। ठीक है, तो क्वारंटाइन हुआ है, रखा गया है, 30 लोग हैं वहाँ क्वारंटाइन में? जी सर, 30 लोग हैं, बाहर जो आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया है, वो लोग वहीं हैं बोरीबर में। ये कौन लोग थे जो बाहर से आए थे? सर यही क्षेत्र के रहने वाले थे, कुमारा गांव है, एक वहाँ पहुँच के रहने वाले हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया 14 दिनों के लिए, छात्रावास में रखा गया। वो कहाँ से आए थे बाहर से? ये हरियाणा से आए थे। मजदूर है क्या? हाँ, हरियाणा दूसरे प्रदेश से आए थे सर। मजदूर है क्या ये? हाँ हाँ जी, मजदूर है। तो तिवारी जी और मिश्रा जी पूरे घर में कैसे बांट लेते होंगे? आपने कहा तिवारी जी और मिश्रा जी दोनों लोग लगे हैं, तो दो लोग मिलकर पूरे घरों में बांट लेते हैं? बोहरीबंद में 30,000 आप देख रहे हैं, और सलीमाबाद में 30,000 अलग है, बोहरीबंद के अलग है, बादल के अलग है, 3 सेक्टर बनाए हुए हैं। तो इसमें सब में तिवारी जी और मिश्रा जी एसोसिएट होकर के बांट दे रहे हैं? आपने कहा एक तिवारी जी है, एक मिश्रा जी है, ये सब जगह बांट रहे, यही बांट रहे कि इनके संरक्षण में बट रहा है? इनके देख रहे बट रहे सर, ये टीम के लीडर हैं, ये सोसाइटी वाले हैं, कुछ पंचायत सचिव हैं, कुछ जीआरएस है, इनकी अलग अलग टीम बनाई गई है, पंचायत वाली पंचायत, ये लोग जाके दे रहे हैं। चलो, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज, और हमारे साथ अरविंद जी लगातार बने हुए हैं त्रिपाठी से। जी जी, अरविंद जी कुछ बता रहे थे, कुछ आंकड़े वगैरह कुछ बताइए, कुछ नया आदेश? जी, साफ तौर पर कह सकते हैं कि 3 मई को जो लॉकडाउन समाप्त होना था, उसके बाद लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ कुछ न कुछ ढील मिलेगी, तो ढील के चलते, क्योंकि कल जो शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें कहा था कि जान है तो जहान है, और जहान के चलते उन्होंने जहान पर ज्यादा जोर दिया था। शराब की दुकानें भी शायद आज खुलने की संभावना थी, लेकिन कुछ गफलत के चक्कर में नहीं खुल पाई। लेकिन एक बात यहाँ पर और देखने को मिली है कि साफ तौर पर जैसे ही 3 मई खत्म हुआ, 4 मई शुरू हुआ, और केंद्र के जो लॉकडाउन का आदेश आया था, उसके चलते आज कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां ही बड़ी तेज हो गई, तो आज पॉलिटिकल फीवर भी देखने को सुबह मिला, जहां नरोत्तम मिश्रा के यहां सुबह दो कह सकते हैं कि जो प्रदीप जायसवाल जो पूर्व मंत्री थे वो, और साथ में एनएल सिंह कंसाना जो कांग्रेस के बागी विधायक थे, वो आज सुबह पहुंच गया, क्योंकि साफ तौर पर कैसे कहा जा सकता है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसी के चलते ये दोनों जो बड़े नेता थे वो वहां पहुंचे नरोत्तम मिश्रा के, और उसी के साथ इनसे मुलाकात करने के बाद नरोत्तम मिश्रा सीधा बीबी शर्मा के पास पहुंचे जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस महामारी के साथ साथ जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसमें तो प्रदेश सरकार जरूर अपनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन साथ साथ में जो पॉलिटिकल फीवर जो चढ़ा हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज कुछ निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि 3 तारीख को के बाद यह वादा किया गया था जो लोग जो बागी विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, कि उन्हें मंत्रिमंडल में समय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, तो अब उन लोग का भी आना जाना शुरू हो गया। क्योंकि प्रदीप जायसवाल जी से तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने बयान जरूर दिया था कि सरकार जो हमारे क्षेत्र के विकास करेगी हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन एदल सिंह जरूर उन्होंने कुर्बानी दे करके आए, वो तो विधायक हैं ऑलरेडी,
सितंबर के पहले सबको चुनाव भी लड़ना होगा, 6 महीने हो जाएंगे। हाँ, और एक महीना निकल गया है, और चूंकि अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि 10-5 दिन और निकल गया तो उनके पास समय भी कम होगा, क्योंकि जिस भरोसे के साथ उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, 2 महीने निकल गए लगभग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 3 में या 2 महीने अगर पूरे निकल जाएंगे तो उनके पास समय नहीं बचेगा, और समय नहीं बचेगा, और जिस भरोसे और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, क्योंकि इस्तीफा विधायक बनने के बाद इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात होती है, और विधायक देने इस्तीफा देने के बाद अगर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये चुनौती होगी। उसी को सब देखते हुए पूरा मंथन चल रहा है, क्योंकि पक्ष आपके पास लौटेंगे, क्योंकि सियासी फीवर तो चढ़ेगा वक्त के साथ, ये उतरने वाला नहीं है। अमित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ चौरसिया मंडला से हैं। अमित, मंडला में क्या कुछ है, कोई संक्रमित है या नहीं है वहां पर? जो हमें खबर है 0-0-0 है, हाँ, 0 पॉजिटिव और 0 मौत और 0 ठीक हुए, 0 ठीक हुए, मतलब कुछ भी नहीं है। सैंपलिंग कितने लोगों की हुई है, कुछ नया कुछ अपडेट है आपके पास? यहाँ बड्डा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 18,000 लोगों लेवल जो बाहर से आए हुए थे, उनकी जांच की गई है, और अस्पताल में और जो ज्यादा संक्रमित थे उनकी रिपोर्ट जबलपुर मेडिकल भेजी गई थी, जो उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, तो अभी तक का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल जीरो है, और कहीं कोई यहाँ पे कोई कोरोना का संक्रमित व्यक्ति नहीं है। एक बार फिर बताएं आप, सैंपल कितने लिए गए, स्क्रीनिंग कितनी हुई? अमित, आवाज सुन पा रहे? जी 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 जी, इसमें लगभग 19,000 लोगों की सैंपलिंग की गई थी, स्क्रीनिंग हुई होगी है, सैंपल कितने के लिए गए? सैंपल इसमें लगभग 200 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जो सभी नेगेटिव पाए गए हैं, पूरे मंडला में जी। तो मजदूर बहुत, मंडला के मजदूर बहुत महाराष्ट्र और सब जगह बहुत जगह जाते हैं, क्या वो लौट के आ गए हैं? 18,000 लौट के आए हैं, तो कहाँ रखा है उनको? लगभग यहाँ पे मंडला जिले में जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, लगभग 19 से 20 हजार लेबर जो है वो बाहर गई थी, जो अब लौट कर आई है, इनकी चेक पोस्ट पे इनकी जांच की गई है, उसके बाद जिला अस्पताल में इनकी जांच करने के बाद इनको होम आइसोलेट किया गया, होम क्वारंटाइन किया। हाँ, होम क्वारंटाइन किया। तो इनके लिए कोई सेंटर वगैरह में व्यवस्था नहीं की गई थी? नहीं, सेंटर वगैरह में व्यवस्था तो की गई थी, यहाँ पे 2 सेंटर बनाए गए, एक जिला अस्पताल में 10 लोगों की व्यवस्था है, और एक और स्टेडियम के पास एक सेंटर और बनाएगा, जहाँ 15 लोगों के लिए टोटल, मतलब 25 लोगों की को एडमिट किया जा सकता है या रखा जा सकता है, और यही व्यवस्था सामुदायिक मंडला जिला के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लगभग पूरी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के समेत लगभग 3500 लोगों को एडमिट किया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 3500 लोग काफी है। और जिस तरीके से अमित, तो मंडला छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, हाँ, तो वहाँ पर नाकेबंदी वगैरह किस प्रकार से की गई है, सख्त है क्या है कि कोई आने जाने दिया जा रहा है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, और जिसमें मंडला से छत्तीसगढ़ टच होता है, जबलपुर है, डिंडोरी है जो रेड जोन में है, और यहाँ पे नैनपुर बॉर्डर जो है, नैनपुर बॉर्डर पे यहाँ पे सिमनी, और सिमनी के बाद यहाँ पे बालाघाट जो सीधे महाराष्ट्र को कनेक्ट करती है, ये पूरी तरह से सील की गई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। संक्षेप में और कोई आपके पास नई जानकारी हो तो बताएं। आज का दिन साफ तौर पर कह सकते हैं दीपक की बड़ा अफरा तफरी माहौल भरा रहा, क्योंकि जो जिस तरीके से ढील देने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, उसमें साफ तौर पर ढील नहीं दी गई है। एक अभी सबसे पहले कलेक्टर ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, वो बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी प्रकार की छूट भोपाल में नहीं दी जा रही है, साथ में भोपाल, इंदौर, उज्जैन जो ये ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण की ज्यादा स्थिति है, वहां कोई किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा रही है साफ तौर पर। और आज स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बाकायदा बात की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए होंगे, तो उसका भी पालन कहीं नहीं किया जा रहा। लेकिन एक जरूर कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो शराब प्रेमी थे, उन्हें उम्मीद थी कि शराब की दुकानें खुल जाएंगी, तो उस पर जरूर कह सकते हैं कि साफ तौर पर भी ये दुकानें खुलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ सरकार ने आदेश कर दिया है, तो वहीं अब जितने भी ठेकेदार हैं, वेंडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि अब दुकानें नहीं खोलेंगे। इनके बीच में क्या गहमागहमी हुई आने वाला समय तक जी, तो ये कहा जा सकता है फिलहाल तो गला गीला नहीं होने वाला है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से त्रिपाठी जी जिक्र किया था, मैंने भी उनसे सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा,
इसके मायने आपके साथ जीना सीखना होगा। हमें लगता है आने वाले समय में जो अपने परिपाटी है वो पूरी बदल जाएगी, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब दूर से ही होगा। और कब, और हर आदमी एक दूसरे को सक की निगाह से देखेगा, किसी को भी खांसी, किसी खांसी। तो इस समय अब ऐसी स्थिति में सामाजिक है, अगर आपको सम्मान बनाए रखना है तो खांसी और जुकाम आपको नहीं होना चाहिए। सामाजिक सम्मान है, और सामाजिक मने अगर हुई तो ये समझिए कि सामाजिक बहिष्कार एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में, सीधे तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। एक ये जो अभी बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, इसमें निश्चित तौर पे नई चीज है, दो चार दिन में मुझे भी लगता है कि विस्तार हो ही जाएगा। एनल सिंह कंसाल जो 6 सिंधिया जी के हैं, जो उनकी अपनी शर्त हुई थी, जो 6 सिंधिया जी के जिसमें 2 बन गए हैं, प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो अभी नहीं बन पाए हैं, इनका बनना तय है। अब ये स्थिति जो 4 है वो मर्सी उस पर है कि देखिए, इनका मैंने ऊपर से जो सिंधिया जी का समझौता हुआ होगा वो समझौता उन लोगों को लेके नहीं हुआ होगा, ना हरदीप सिंह डंग को लेके हुआ होगा, ना इधर सिंह कंसाना को, ना बिसाहू लाल सिंह को, और ना ही राज्यवर्धन सिंह रत्तीगांव को। इन चारों से ये ज्यादातर लोग दिग्विजय सिंह जी के थे, तो ज्यादातर लोग इसमें कुछ तो मिलेगा ना। तो अब वो फिर भी बागी कह गए, आपको ध्यान हो मंगलौर दिग्विजय सिंह जी गए थे, अगर उनसे मुलाकात हो जाती तो हो सकता है ये चारों आ भी सकते थे। हरदीप सिंह डंग को छोड़ के बाकी 3 तो दिग्विजय सिंह के थे। तो अब ऐसे में हरदीप सिंह डंग मीनाक्षी नटराजन के थे, तो अब ये लोग गए थे, लेकिन हरदीप सिंह डंग ने शुरुआत की थी। हरदीप सिंह एकमात्र सरदार विधायक है जो पूरे 230 में से एक ही सरदार है, तो उनको भी ले सकते हैं उस कम्युनिटी के लिए। लेकिन एदन सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह और राज्यवर्धन सिंह रत्तीगांव, इनको खुद को अपना सामंजस्य बनाना होगा, खुद की अप्रोच करनी होगी, या खुद या अपना आला कमान, मैंने जो पार्टी आला कमान छोड़ के खुद का आला कमान, खुद का बॉस कौन है, ये भी चुनना तय होगा इनको बीजेपी में नए सिरे से आकर। बिल्कुल, तो ये कर सकते हैं। जय साहू जी नैनपुर से, नैनपुर मंडला का ही एक तहसील है, तो बिल्कुल शून्य 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 यहाँ पर। तो नैनपुर से इतना तो पूछ ही सकते हैं कि नैनपुर से कितने सैंपल लिए गए, कितनी स्क्रीनिंग हुई, और नैनपुर में कितने क्वारंटाइन वार्ड की व्यवस्था की गई है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तक 88 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 5 सैंपल को जी 5 सैंपल निगेटिव पाए गए। निगेटिव तो पाए गए हैं, बाकी सैंपल 88 सैंपल की जांच अभी जा रही सर, रिपोर्ट नहीं आई है। कुल कितने सैंपल एक बार फिर बताएं? 88 जी सर। तो 88 में 5 निगेटिव, माने 83 सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। और ये कब लिए गए थे? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए आप जितेंद्र, आप आवाज तकनीकी सुविधा जो हो रही है उसे कर लीजिए सॉल्व, तब तक संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से देखा जाए नगर निगम काम करता आप दिखाई दे रहा है, और सहूलियत भी काफी दे दी गई है, हालांकि छूट का मतलब भारतीय नागरिक पूरी छूट समझता है। सड़कों पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है? अगर देखा जाए तो नगर निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है वो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहा है। अगर देखा जाए तो, क्योंकि नगर निगम का चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वहां तक काम करने की बात आई, उसके पास जितने भी काम दिए जाते हैं, वो चाहे कैसा भी काम हो, चाहे सैनिटाइजर का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, और या किसी भी प्रकार की साग सब्जी तक का, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर घर पहुंचाने के लिए भी नगर निगम ने बहुत अच्छी पहल करी और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दीपक, अभी नगर निगम का एक और पक्ष बचता है, जो जिन्हें कहते हैं जो एक आम जनों से जुड़ा हुआ रहता है और जो लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पार्षदों की, जो पहले पार्षद रहे हैं उन वार्डों में, आज दीपक वो सबसे ज्यादा वही नदारद देखने को मिल रहे हैं। कुछ पार्षद ऐसे हैं दीपक, जो आज इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी जो जनता के भरोसे रहे हैं, जनता ने जिन्हें जिताया था, और जनता के बीच में आज वो पार्षद एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। हम बात करें, अगर मैं बात करूं तो 48 नंबर की वार्ड की पार्षद है सुषमा बबीसा,
जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है, बबीसा का आज तक अपने वार्ड क्षेत्र में एक बार भी आज तक दौरा नहीं किया, और वहाँ के जो जनसेवक हैं जिन्हें आज अगर आने वाले जैसे अब आने वाले टाइम में लौटूंगा, उससे पहले हमारे जितेंद्र साहू फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे आप कि वहाँ कितने सैंपलिंग लिए गए, 88 सैंपल लिए गए थे, 5 बाकी 83 के करीब रिपोर्ट आई, कितने की रिपोर्ट आई आप स्पष्ट बता नहीं? 5 रिपोर्ट बता रहे हैं जी, 5 की रिपोर्ट आना बाकी है सर अभी जी। 83 की रिपोर्ट, 83 की रिपोर्ट अभी नहीं आई जी सर, नहीं आई। ये कब लिए गए थे सैंपल सर? सबकी निगेटिव आया सर सैंपल। ये कब लिए गए थे 88 जो आप बोल रहे हैं, 88 सैंपल? सैंपल हाँ सर, ये 15 दिन पहले लिए गए थे। बताइए 15 दिन पहले 83 लोग, ऐसे मान लीजिए उन 83 में 2-4 है तो कहीं ना कहीं संपर्क, तो ये सब महिला कहीं वो कर सकती है 28 लोगों को जिसके 5 दिन बाद उसके बाद कोरोना पॉजिटिव, ये तो खुले घूम रहे हैं। वही जो अपना जो लगातार ये बढ़ रहा है उसके कहीं ना कहीं सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार अपनी मशीनरी है वो उस लेवल पे नहीं है, तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई बीमारी महामारी आए तो उससे कैसे लड़ा जाए। कोरोना पूरा विश्व नहीं लग पा रहा तो हम लोग भी क्या जी जिले में, और वहाँ सब खाने पीने का सामान मिल रहा है ढंग से? जी सर आज से दोपहर 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी दुकानें खोली जा रही है। संदेश जी, सुनने में आज शायद आपका फेस देख के लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, आप तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। चलिए धन्यवाद जी संजय जी। वार्ड नंबर 48 की जो बबीसा है, आज तक अब इतने दिन हो गए हैं, 2 महीने के आसपास होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक बबीसा ने अपने वार्ड में एक बार भी अकेले ही बबीसा है कि और भी कुछ बबीसा है? सर सुषमा बबीसा सर, इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाह रहा था सर कि इसमें जो वहाँ के जनसेवक है मोहन यादव, जिनने बड़ी अच्छे से उस क्षेत्र में अपनी कमान संभाल रखी है सर, इसी में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक और पार्षद का नाम लेता हूँ जगदीश यादव, अगर देखा जाए तुलनात्मक देखा जाए तो जगदीश यादव ने आज तक अपने क्षेत्र की हर जनता तक सूखा अनाज से लेकर तो वहाँ तक उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम उनने किया है। अगर देखा जाए तो पूरा जगदीश यादव, अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्षदों की बात कर ली जाए तो सर एक और सुषमा बबीसा अभी लौटेंगे आपके पास, इसको अगला चुनाव हराएंगे, एक को जिताएंगे ऐसा लग रहा है हमें। राजेश निम्बोरकर जो गए निम्बोरकर बुरहानपुर से, राजेश वहाँ क्या स्टेटस है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सर, बुरहानपुर में अब जो कोरोना है कहीं ना कहीं अपना प्रकोप दिखा रहा है। बुरहानपुर में कल रात जो कोरोना की रिपोर्ट आई है उसमें 16 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, और कोरोना का आंकड़ा भी देखा जाए तो बुरहानपुर में करीब 35 मरीज पाए गए हैं, साथ ही इनमें से 3 जो मरीज है उनकी मौत हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा करीब 410 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिसमें से 448 की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और साथ ही करीब अभी 53 ऐसी रिपोर्ट है जो आना बाकी है। और कल जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद प्रशासन काफी हरकत में आया है, आज भी प्रशासन के द्वारा करीब 116 लोगों से अधिक की रिपोर्ट ले ली गई है जिसे आज फिर जांच के लिए भेजा जाएगा। जी जी, तो ये जो 10 एक साथ 10 मिले, क्या एक ही परिवार के हैं ये लोग? सर बुरहानपुर में अगर देखा जाए तो एक ही परिवार के 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही जो एक पूर्व पार्षद पॉजिटिव पाए गए थे तो उनके परिवार के करीब 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। साथ ही बुरहानपुर के लिए एक दुख भरी बात यह है कि बुरहानपुर के अलग अलग क्षेत्रों से ये जो पॉजिटिव पाए गए हैं, बुरहानपुर के करीब 9 अलग अलग वार्डों के निवासी हैं, और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी वार्डों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, इनको सील कर दिया गया है, और जैसे ही पूर्व में 18 की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी वैसे ही बुरहानपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। आज कर्फ्यू का आखिरी दिन है, प्रशासन काफी सख्ती से यहाँ पे काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कोरोना पर हम अंकुश लगाएंगे। राजेश, ये कहा जा रहा है कि बुरहानपुर के हालात इंदौर जैसे हो सकते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल, बुरहानपुर में अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, पहला मरीज बुरहानपुर में 22 अप्रैल को पाया गया, और देखते ही देखते 6 दिनों के अंदर 35 मरीज हो गए, और जिस तरीके से एक साथ कभी 18 मरीज कभी 16 मरीज इस तरीके से सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन काफी सख्ते में है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि